हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर डिज़ायर्स। आज मैं आपको अपने कड़ी पत्ता प्लांट को दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना हेल्दी प्लांट है, 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है ये, और ये 3-4 साल पुराना प्लांट है। इसको मैंने नर्सरी से लेके लगाया था और इसके लीव्स बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू है इसमें, बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू है इसमें। इसमें भी कई तरह की वैरायटीज़ आती हैं, किसी में धीमी खुशबू होती है और किसी में स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है। तो मेरा मकसद ये दिखाने का था कि इसको ज़्यादा सालों तक कैसे आप अपने घर में पॉट में लगा सकते हैं। तो देखिए, आप यहाँ से देख रहे होंगे कि 3 ब्रांचेज़ निकल रही हैं। तो जब इस प्लांट ने इतनी हाइट ली थी तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया था, तो उस कारण से यहाँ पे 3 ब्रांचेज़ निकल के आई, और उन 3 ब्रांचेस को भी मैंने आगे आगे कट किया हुआ है, जिनसे आगे फिर 3 या 4 ब्रांचेस निकली हुई हैं। आप देख सकते होगे इन 3 ब्रांचेस में भी दिख रहा है, जैसे मैंने इसको यहाँ से कट किया तो इसमें से फिर 1, 2, 3, 4 ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये यहाँ से निकल रहा है एक और, अब 5वीं ब्रांच भी यहाँ से निकल रही है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली तो हमें इस प्लांट में से लीव्स ही चाहिए, हमें इसमें फ्रूटिंग तो कुछ चाहिए नहीं है। तो जितने लीव्स होंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। अगर सिंगल ब्रांच होगी तो एक ही ब्रांच ऊपर जाके एक लंबा सा पौधा बन जाएगा और उसके लीव्स रहेंगे, बट अगर आप उसको प्रून करते रहेंगे तो उसके काफ़ी ब्रांचेस निकलेंगी और उनमें आगे काफ़ी लीव्स हमें मिल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सर्दियों में जो है डोरमेंसी में चला जाता है, इसके पत्ते जो हैं वो सारे शेड कर देता है ये अपने लीव्स, येलो होकर सब गिर जाते हैं और सिर्फ ब्रांच रह जाती है। तो सर्दी आने से पहले मेरी आपको ये सलाह है कि आप इसके सारे लीव्स जो हैं वो प्रून कर लीजिए। जैसे अब मैं इसके सारे लीव्स कट कर लूँगी, ऑलमोस्ट सभी लीव्स इसके कट कर लूँगी, बस थोड़े से रहने दूँगी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके प्लांट को फूड देंगे। तो उससे क्या होगा कि एक तो मेरे ये लीव्स यूटिलाइज हो जाएंगे, अदरवाइज भी इन्होंने सर्दी में जो है येलो होकर गिरना ही है, और दूसरा कि प्रूनिंग हो जाएगी मेरे प्लांट की, तो इसमें अब जब नई शूट्स आएंगी तो वो और ब्रांचेस इसकी बन जाएंगी और जो प्लांट है वो मेरा बुशी बन जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टेम्स हैं, ये सूखेंगी नहीं, डाईबैक ये नहीं होता है प्लांट, ये अपराजिता का प्लांट लग रहा है इसमें, मेरा अपने आप ही कहीं से सीड गिर गया, और तुलसी का प्लांट भी लग रहा है इसमें फ्रेंड्स। तो इसकी मिट्टी देखिए मैंने कितनी नीचे तक रखी हुई है, टॉप लेयर जो है वो वाटरिंग के लिए और खाद के लिए खाली छोड़ी गई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये ज़्यादा हाइट भी गेन नहीं करेगा। ये देखिए मिर्ची का प्लांट भी दिखा रही हूँ मैं आपको साथ में ही, काफ़ी मिर्ची लग रही है, ये भी 1 साल पुराना प्लांट है मेरा। इस पे भी मेरी वीडियो जो है वो आ चुकी हुई है, आप उसे चेक कर सकते हैं मेरे टेरेस गार्डन की प्लेलिस्ट में। तो फ्रेंड्स, आप भी ये टेक्निक अपना सकते हैं कि इस प्लांट की आप साल में भी 1-2 बार प्रूनिंग कर सकते हैं, बस विंटर सीज़न में अवॉइड कीजिए, और काफ़ी लीव्स आपको मिल जाएंगे। इन लीव्स को आप सुखाकर पाउडर भी बना सकते हैं, या फ्रेश लीव्स भी आप अपनी साउथ इंडियन डिशेस में या किसी भी तड़के में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फर्टिलाइज़र में आप इसको जो है काउडंग मैन्योर दीजिए, जिससे कि इसके लीव्स जो हैं वो काफ़ी ग्रीन रहें। घर की कंपोस्ट भी दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। तो टाइम टू टाइम अगर आप इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे फ्रेंड्स, तो ये प्लांट जो है बहुत हेल्दी रहेगा और काफ़ी देर तक हमारे जो गार्डन में हमारे पॉट में जो है ये लगा रहेगा बिना किसी दिक्कत के। रूट बाउंड की भी ज़्यादा अभी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी,
तो फ्रेंड्स आप भी इस प्लांट को बहुत इजीली अपने घर में लगा सकते हैं और काफ़ी सालों तक ये पॉट में चल सकता है। थैंक यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल नेचर डिज़ायर्स। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।